Oasis Musician me traje na parque. Ajá. Por suspension abhi travel kar rahe ho Jeko Taya ke Jio laga ke ओके ये तो इसी पोजीशन में रहेगा अगर ये डाउन किया और सस्पेंशन अप करोगे एक रैंप पर बैठ जाएगा ओके हो गया ये फिर नीचे दबाओगे तो लेफ्ट साइड उठेगा ये वाला दबाओगे तो राइट साइड उठेगा अच्छा ये दरमियान में रहेगा न्यूट्रल रहेगा उधर से गेज में चेक देख सकते हैं कि कितना लेवल बराबर हो जाए अच्छा एक मरतबा पूरा उठ गया बस वीडियो ऑफ करके ट्रेवल कर सकते हैं वीडियो और गया तो फिर मतलब रेस की ज़रूरत नहीं है बाज़ औक़ात अगर देना चाहते हो तो सही है जल्दी उठ जाता है मतलब ये इसका यहाँ से पीटीओ जो है ये ऑन होता है और ऑफ होता है अभी ऑफ है अभी ऑफ है इस बटन को नीचे करेंगे तो ऑन हो जाएगा और ये जो दिया हुआ है एक दो तीन और चार ये वो पिछला जो एक्सल है उसका वो टायर टर्निंग है बिल्कुल वो सब कुछ जो है ना आगे पीछे हो सकते हैं इससे ये जो है ना फिर एक्सल का है ये 4x4 हो गया ये जो अलहदा है ये जो आगे वाले 2XL का है अच्छा अच्छा इसके साथ इससे ये अगला एक्सल जोर लगाएगा एक और सब एक साथ जोर और इसके साथ 2XL जोर लगाएगा बिल्कुल और इसके साथ ये मतलब जो इधर मेंशन हुआ है बिल्कुल ये जो दरमियान वाले बड़े टायर है ना हाँ जॉइंट डबल टायर ये उसके साथ और पावर लगाएगा मजीद पावर आगे वाले तो जोर लगाते हैं हम इन तीनों को ऑन कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ गई है बिल्कुल मैं खुद रमल में थोड़ा फंस गया अच्छा सस्पेंशन डाउन हो जाएगा अगर ये नीचे हुआ तो ये देखो निशान आ रहा है ना और जब काम करना ऑपरेटिंग करना पूरा सस्पेंशन डाउन करो ये पर टायर लाके जेक उठाओगे तो टायर नीचे नहीं आएगा टायर ऊपर ही लॉक हो जाएंगे मतलब ड्राइव करना है तो यहाँ से इसको लॉक करना नहीं 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 ये जब बिल्कुल सस्पेंशन जीरो हो जाए बिल्कुल ना उठ जाए तब ये लॉक लगाते हैं कि टायर जेक उठाते हैं ना टायर नीचे ना जाए जमीन के साथ गिरे ना नीचे गिरे ना और फिर जब सस्पेंशन को खत्म करना है ट्रेवलिंग के लिए फिर इसको ऑफ लो फिर ऑफ कर दो वीडियो ऑन करके जे वो उठाओ सस्पेंशन दोनों सेट सस्पेंशन को उठाना है ठीक हो गया ठीक हो बाकी ये तो बस हीटर हो गया ये हीटर का हाँ ये क्या चीज़ है स्टॉपर है ये स्टॉपर है ये रेस का कुछ आगे पीछे अच्छा कम ज़्यादा होते लगते हैं इससे अच्छा हाँ ये हारन हो गया ये भी लाइट हो लाइट हो गया और ये वाला ये मतलब वो जो टायर वो है ना एडजस्टमेंट पीछे वाला टायर इसका एडजस्ट होता है उसका लाइट है हां और ये 2 नंबर और 4 नंबर एक्सेल और डबल एक्सेल ट्रिपल और 4 एक्सेल 5 नंबर 4 और 5 सही सही हो गया ठीक हो गया गियर इसका मैनुअल भी है और ऑटो भी है इस तरफ करोगे मैनुअल हो जाएगा एक दो फिर आगे करोगे इधर करोगे फिर दोबारा ऑटो और पीछे करेंगे गियर को तो कम होगा गियर कम हो जाएगा ठीक है ये इसकी पार्किंग ब्रेक है ये कौन सा लीवर है ये स्टॉपर है ये भी स्टॉपर है स्टॉपर है और इधर भी स्टॉपर है और इधर भी है तीनों है अच्छा इधर भी स्टॉपर है ये भी है और ये भी स्टॉपर है ठीक हो गया ये क्या चीज है ये वो है ना क्या कहते हैं उसे न्यूट्रल पोजीशन है ये और परली साइड पे करेंगे तो मतलब ड्राइव करने के लिए ये रिवर्स हो गया ये रिवर्स के लिए मीडियम स्लो हो गया मतलब ये डायरेक्ट स्लो हो गया अच्छा मतलब चढ़ाई उतराई के लिए यूज करते हैं ना तो बस ये लगाओ बस एक पोजीशन में चलेगा अच्छा अच्छा अगर यहाँ पे हम डी पे रख देते हैं तो फिर गियर वगैरह यहाँ से लगाने की जरूरत है या नहीं है ये मैनुअल के लिए है या ये ऑटो डी पे रखोगे फिर मैनुअल करो फिर इधर से गियर चेंज होगा अच्छा नहीं तो ऑटोमेटिक पे है तो बस डी पे रखो निकलते ड्राइव कर सकते हो ठीक हो गया ठीक हो बाकी जो इसके ये गेज वगैरह हैं हाँ ये ऑयल गेज हो गया ये अच्छा। फ्यूल है वो आरपीएम है ये वाला टेम्परेचर है ये जो है ना प्रेशर वाला गेज हो गया वो स्पीड है और परले ये जो बटन है थोड़ा ये जो है ना तकरीबन पंखा कूलिंग करने के लिए जब वो हो जाए ये टेस्ट के लिए अच्छा टेस्ट कूलिंग कुछ तरतीब होगा इसका अच्छा और बाकी ये लाइट हो गया ये बीकॉन लाइट हो गया इन दोनों का मुझे भी पता है नहीं है ये टेस्ट और इसका एन लिखा हुआ है हाँ इसका दोनों का पता नहीं है टेस्ट और इसका अच्छा और कोई है बटन साथ में नहीं नीचे बस okay. बस
आरपीएम हो गया, ये इंजन आवर्स हो गए, और फ्यूल लेवल हो गया, और ऑयल प्रेशर का गेज जो है वो यहाँ। अच्छा, ये फ्रंट भी बस दिखा रहा है और रिवर्स कैमरा भी दिखा रहा है, दोनों साइड से लगा हुआ। इसमें आरपीएम दिखा रहा है और फ्यूल लेवल, आवर्स हो गए, फ्यूल लेवल हो गया, ऑयल प्रेशर हो गया, अच्छा इंजन आवर्स हो गए। ये इधर से फिर बंदा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज होगी, स्टोर्ड पोर्ट्स, इंजन कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे जो है ना इधर से फिर चेंजिंग हो सकता है। अच्छा अच्छा, सही, ठीक ठीक हो गया। ओके अभी भी, थैंक यू।